नमस्कार आप सभी को, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं पानीपत से मनाली के लिए। वैसे निकलते हम रात को ही गए थे दिल्ली से, पर पानीपत में हम रुक गए थे अपने घर पे। तो अभी पानीपत से हमने शुरू किया मनाली का ट्रिप। तो अभी आपको गाड़ी का मीटर दिखा देता हूँ कितना चला, और फिर देखते हैं टोटल कितनी चलती है गाड़ी। 17133 चली है अभी तक गाड़ी, और देखते हैं टोटल कितना ट्रिप कवर करते हैं हम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस ट्रिप में, और आपको सब कुछ एंजॉय करने को मिलेगा हमारे साथ। तो चलो चलते हैं और करते हैं अपना एंजॉय। और हम निकले हैं सुबह 4:20 पे, मतलब घर से तो 4:00 निकल चुके थे, 4:20 हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से 1-2 तक हम पहुंच जाएंगे मनाली। उसके आगे मुझे सोलांग काम भी है कुछ, तो यही बताना था कि हम सुबह निकले हैं 4:20 पे। देखते हैं अभी खाली रोड मिलेंगे सुबह, तो इतनी कोई भीड़ नहीं होगी रोड पे। तो हरियाणा रोडवेज बिल्कुल अपने जाएगी स्पीड में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। गाड़ी की टंकी हो चुकी है फुल, और गाड़ी रेंज दिखा रही है 588 किलोमीटर की, और अभी एवरेज दे रही है 19.1 किलोमीटर की। तो भाई अभी मोहाली में ब्रेक लिया, चाय पी रहे हैं, यहाँ रुके हैं ढाबे पे, और मौसम देखो आप कैसा रखता है रंग बिरंगा। तो भाई निकलते हैं, चाय वाय यहाँ पे पी लिया है, वेदर कंडीशन आपको दिख रही है क्या मस्त है। सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं, बस अब जल्दी से हम पहुंच जाएंगे। सूरज की जरूरत थी, ठंड लग रही थी, अब यहाँ में देंगे गर्मी, और बिल्कुल चकाचक रोड। अभी हम पहुंच चुके हैं रूपनगर शायद, हाँ रूपनगर पहुंच चुके हैं। तो भाई अब यहाँ देंगे ग्रीन टैक्स, यहाँ हमें हिमाचल एंटर होने का रोड टैक्स देना पड़ेगा हमें। ग्रीन टैक्स की जो पर्ची कटती है हिमाचल में एंटर होने की, वो हमने कटा दी अपनी, ये 40 रुपए की। चल रहा है मनाली का काम, जो है रोड बन रहा है मनाली के लिए न्यू हाईवे, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी है, 15-20 मिनट यहाँ रुकते हैं। पिछली बार हमने इस ढाबे पे चाय पी थी रुक के रात को, अब वैसे रोक लिया। कोशिश हमारी रहेगी कि बाहर से जंक फूड बहुत कम खाएं, क्योंकि हम अपना फ्रूट व्रूट साथ में ही लेके चल रहे हैं, और कुरकुरे चिप्स जो भी चाहिए हम साथ में ही ऑलरेडी अपनी दुकान से लेके आए थे। तो फ्रूट्स को खाते हैं अभी। तो अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, चाय पी लेते हैं। ये भाई बिलासपुर की झील है, सुंदर नगर है बिलासपुर, सुंदर नगर है भाई, पता नहीं जहाँ के भी है तो ये कुलचा बनवाया भाई यहाँ पे आके, ये नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। तो कुलचे को करते हैं एंजॉय। यहाँ भाई अपना वही कंस्ट्रक्शन चल रही है जो मंडी से मनाली हाईवे की चल रही है, अभी यहाँ थोड़ा काम प्रोग्रेस पे है। डैम है यहाँ, पानी स्टोर करके रखते हैं, और बारिश में तो यहाँ भाई साहब पूछो ही मत कितना भर जाता है।
रोड तक पानी आ जाता है इस डैम का। पहले से काफी अच्छा बन गया, पहले बिल्कुल ये उबड़ी खाबड़ लगता था, वो अच्छा पक्का बना दिया, मस्त पाइडर बना दिया है। तो अभी हम जाएंगे वही टनल में, एसी दा रास्ता जो है ये जिप भी चला जाता है, और अभी हम ले रहे हैं टनल के अंदर जो निकलेगा मनाली, मतलब कुल्लू की तरफ जाता है। तो मनाली तो पहुंच चुके हैं भाई हम, पर हम मनाली में स्टे नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे बुरुआ। बुरुआ में हमारी एक आंटी जी है फ्रॉम बिहार, पता नहीं यार कंफर्म नहीं हूँ मैं बिहार से कहाँ से है, हम उन्हीं के पास स्टे करते हैं हमेशा जब भी मनाली आते हैं। तो चलो चलते हैं बुरुआ चलते हैं, और बुरुआ में आपको होटल विजिट कराऊंगा कैसा। गाइस हम होटल पहुंच चुके थे, होटल पहुंचने के बाद आपको मैं होटल का टूर देना तो भूल गया था, आपको छोटा सा होटल का टूर दे देता हूं। और यहां पे हो रही है अभी बारिश होने का मतलब है कि जल्दी बर्फ गिरेगी, रात को बर्फ गिर सकती है यहां। तो चलो जल्दी से आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूं, पहले तो ये देख लो बारिश हो रही है यहाँ। उसके बाद
कि यहाँ से जीना आता है। इसमें दो तीन फ्लोर हैं, यहाँ पे आप बैठ के कुछ पार्टी वार्टी इन्जॉय कर सकते हैं। ये होटल का व्यू है कुछ, ये मजाज विलेज है मजाज, और जहाँ ये होटल है ये बुरुआ है। अपना रूम और दिखा देता हूँ आपको। एलईडी, ये बेड है, यहाँ पे एक आपको अलमीरा मिल जाती है, और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम से भी आपको अच्छा खासा व्यू मिलता है फ्रेश होते हुए। और रूम के साथ में बालकनी है, ये बालकनी है, और ये बारिश। और ये आपको जो सामने रोड दिख रहा है ये वही है जो मनाली से अटल टनल की तरफ जाते हैं। तो आपने ये देखा मेरा छोटा सा होटल का टूर, और अभी आपको दिखाता हूँ स्मोक होल। ये हो गया बिल्कुल लाइव स्मोक होल। ठंड लग रही है भाई बहुत, ये स्नो फॉल हो रही है। अब कहीं जा तो सकते नहीं, माल रोड वगैरह होटल में ही रुकेंगे रात को, कहीं घूमने तो हम जाएंगे नहीं। अभी भाई गाड़ी से चार्जर निकालने जा रहा हूँ, चार्जर गाड़ी में रह गया था, तो चलो देखते हैं। ठंड तो बहुत है। ये गाड़ी है, गाड़ी पे जमी हुई है बर्फ। ये गाड़ी की हालत है, स्नोफॉल हो रही है, सुबह तक लगता काफी हो जाएगी। चाबी कुछ काम ही नहीं कर रही है, ठंड मान गया पता नहीं क्या यार। हाँ अब किया ठीक। लेटर पिलाई गया भाई चाबी ने ठंड में। आकाश लिख दे गाड़ी पे। सामान निकाल लेते हैं जल्दी से।